हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी फॉर पास्ट 10 इयर्स। मैंने पिछले 9-10 सालों से सिर्फ नीट एस्पिरेंट्स को ही पढ़ाया है। पहले 6 साल मैंने ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया एंड देन नाउ आई एम पार्ट ऑफ एन एडटेक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बेटा, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं पास होते हुए मेडिकल कॉलेज में जाते हुए, और बहुत सारे बच्चों को गलतियां करते हुए भी देखा है जो अपने वो 2 साल की जर्नी में करते हैं, जिसकी वजह से उनको या तो ड्रॉपर बनना पड़ता है या फिर नीट एग्जाम का सपना छोड़ना पड़ता है। तो अब समय है नए बैच के शुरू होने का। 2024 और 2025 के न्यू बैचेस आ रहे हैं, तो उन सारे बच्चों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगी जो गलती जनरली बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुकता है। एंड मैं चाहती हूँ आप, सिंस अपनी जर्नी की इस टाइम पर शुरुआत कर रहे हैं, तो ये वीडियो जरूर देखें ताकि आप उन गलतियों को रिपीट ना करें और आपका सिलेक्शन एक ही बारी में हो, बिना ड्रॉप के हो और अच्छे नंबरों से हो, आपको अपना मनपसंद कॉलेज में मिले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेटा क्लास 11th के लिए। जब आपने क्लास 10th करी होगी तो आपने देखा होगा कि साइंस की यूजुअली क्या होती है, सिंगल बुक होती है ना, सिंगल बुक होती है साइंस की। लेकिन जैसे ही आप क्लास 12th में आए, अगर आप जैसे ही आप क्लास 11th में आए तो आपने देखा यार फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग अलग डिवाइड हो गया है। एनसीईआरटी देखेंगे तो आज भी इनकी पतली पतली है, लेकिन जब आप कोचिंग के मॉड्यूल्स या एक्स्ट्रा बुक्स लेने को जाएंगे तो इतनी मोटी मोटी बुक्स आ जाएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, 10th का लेवल अगर यहां था पढ़ाई का तो 11th का लेवल यहां होगा। 11th इज द टफेस्ट इन दीज 2 ईयर्स। 12th फिर भी आसान है, 11th थोड़ी सी टफ मानी जाती है, तो उससे घबराना नहीं है। हमने अगर ठान लिया है कि डॉक्टर बनना है तो अगर तरीके से स्टेप वाइज करेंगे तो डेफिनेटली बेटा बन जाएंगे। और मैं आपको एक बात अच्छी और बताऊं, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं दैट मींस आपके पास अभी 2 साल हैं 2025 एग्जाम के लिए, और जितने भी ऑल इंडिया रैंकर 2 डिजिट वाले होते हैं या इनफैक्ट 3 डिजिट वाले होते हैं, 99% उसमें से वो होते हैं जो अपनी तैयारी जल्दी शुरू करते हैं। देखिए, करने को ये तैयारी 6 महीने में ही बच्चे करके ही सिलेक्शन ले लेते हैं, लेकिन फिर मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता और एक सहज तरीके से तैयारी नहीं हो पाती। तो अगर 1 डिजिट रैंक चाहिए, 2 डिजिट रैंक चाहिए, तो तैयारी आज से अभी से होनी चाहिए, अभी से वो सीरियसनेस आ जानी चाहिए। तो सबसे पहली चीज बेटा, एक नीट एस्पिरेंट को क्या चाहिए, उसके स्टडी टेबल पर सामने क्या लगा होना चाहिए। सबसे पहले बेटा आपके स्टडी टेबल पर लगा होना चाहिए आपका सिलेबस। देखो नीट का जो एग्जाम है ना, इसमें टोटल 97 चैप्टर्स है। अगर मैं पीसीबी को मिला दूं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मतलब 2 साल में आपको 97 चैप्टर्स करने हैं। अब वो चैप्टर्स कुछ बुक में इतने इलैबोरेट दिए हुए हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिए हुए हैं, आपको अपना जो सिलेबस है वो बिल्कुल डिफाइंड रखना है, कहां तक सीमित रहना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी तक आपको सीमित रहना है। अगर आप एनसीईआरटी तक बेटा सीमित रहेंगे, आप 100% नीट क्रैक करेंगे, क्योंकि एनटीए जो नीट बनाता है वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। अब आपके पास प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए जो एनटीए हर साल अपने बुलेटिन में रिलीज करता है। ये सिलेबस आपको इस साल के बुलेटिन में से मिल सकता है, या फिर मैं एक्सट्रैक्ट करके आपको अपने टेलीग्राम पर दे दूंगी, जो कि मेरे ही नाम से सी पाहुजा बायोलॉजी, ठीक है, इस नाम से है। आप वहां जाकर इस सिलेबस को डाउनलोड कर लो और इस सिलेबस को सामने लगा लो अपने स्टडी टेबल पे। अब आप अगर क्लास 11th में आए हैं तो आपको 11th के साथ साथ सीबीएसई का भी ख्याल रखना है, बिल्कुल आपके स्टेट बोर्ड है उनका भी ख्याल रखना है। तो 2 तरीके के सिलेबस आप अपने सामने लगाएंगे, ठीक है, एक तो एनटीए का और एक अपने बोर्ड का, बोर्ड अगर आपका सीबीएसई है या फिर आपका स्टेट बोर्ड है। अब आप बोलोगे मैम सीबीएसई और नीट तो बिल्कुल सेम है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। सीबीएसई जो है ना, वो शायद अगले साल से नई एनसीईआरटी को फॉलो करेगा। अभी नीट में इतनी क्लैरिटी नहीं है कि वो नई एनसीईआरटी फॉलो होगी या फिर पुराने चैप्टर्स भी आएंगे, तो अभी के लिए सिलेबस मैं कहूंगी कि अलग है। तो आप बेटा एक सिलेबस जरूर डाउनलोड करके अपने सामने रख लो और जो जो टॉपिक उसमें होते जाए ना, उस पर हाईलाइट करते जाओ, उस पर टिक लगाते जाओ, ठीक है जी, पहली चीज ये। दूसरी चीज आती है डिफाइन योर रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का क्या मतलब होता है? रिसोर्सेस का मतलब होता है कि किस जगह से पढ़ाई करनी है। आप आज ही ये डिसाइड कर लीजिए मुझे ऑनलाइन पढ़ना है या फिर मुझे ऑफलाइन पढ़ना है। अगर मुझे ऑनलाइन पढ़ना है तो मुझे किससे पढ़ना है, मेरे टीचर कौन कौन से होंगे। स्टार्टिंग में आपको समय लगेगा, 1-2 टीचर्स को देखो, ठीक है, सबके लेक्चर देखो और फिर देखो किससे तुम्हारी फ्रिक्वेंसी मैच होती है, ठीक है। तो रिसोर्सेज यानी कि कहां से पढ़ना है। आपका कोचिंग डिसाइड होने में ऐसा नहीं कि 6 महीने लग जा रहे हैं, 7 महीने लग जा रहे हैं और फिर 1 साल बाद तुम फिर चेंज कर रहे हो, ऐसा इफेक्टिवली नहीं होना चाहिए। अगर तरीके से देखे तो ये तैयारी नहीं होती। आज से ही डिसाइड कर लो कि यार मुझे यहां से पढ़ना, और फिर भरोसा रखो। देखो सब लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, एवरीवन इज वर्किंग टुवर्ड्स योर बेनिफिट ओनली, सब अच्छे हैं, आपको बस देखने कि आप किससे ज्यादा रेजोनेट कर पा रहे हैं, ठीक है जी।
तो आपको अपने रिसोर्सेज भी डिफाइन करने और बिल्कुल स्ट्रिक्टली सिलेबस को देखते हुए ही आपको अपने नीट की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट चीज आती है यार कि मैं कौन सी किताबें फॉलो करूं। अगर देखो मैं ना इतने साल से बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, बायो में आने पिछले 5 साल का ट्रेंड कहता है कि यार एनसीईआरटी से बाहर ना 1-2 क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं आता। तो सबसे पहले तो आपके पास अपडेटेड एनसीईआरटी होनी चाहिए तीनों सब्जेक्ट्स की, ठीक है? अपडेटेड, इसी साल एनसीईआरटी अपडेट हुई है, यस This year only, और अब मार्केट में अपडेटेड ही मिल रही है। आपके पास पुरानी भैया दीदी की है, रख लो उसको, रख लीजिए, बट फिर भी एक नई एनसीईआरटी जरूर ऑर्डर कर दीजिए, अमेजोन से मंगा लीजिए या फिर बुक स्टोर से ले लीजिए। तो किताबों में सबसे पहले आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। दूसरा, क्लास के दौरान बेटा अगर आपको अभी तक नोट्स बनाने की आदत नहीं है ना तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आपको नोट्स बनाने ही बनाने हैं तो 3 कॉपीज 3 या 4 कॉपीज लगा लो, रजिस्टर टाइप कॉपीज लगा लीजिए। जैसे मैं आपको बताऊं यस, जैसे ये कॉपी है ना, स्पाइरल वाली लगा लो या फिर नॉर्मल लगा लो, इस तरीके की कॉपी आती है हर ब्रांड की, आप कॉपीज लगाइए 4। किस किस की? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। और अगर अब तक नोट्स बनाने की आदत नहीं है तो अब बेटा ये आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि यही नोट्स होंगे जो तुम्हारा ब्रह्मास्त्र होंगे, जो तुम्हारा अस्त्र होंगे आगे जाके एग्जाम को क्रैक करने में। दूसरों के नोट्स, जो बच्चे नोट्स नहीं बनाते वो क्या करते हैं, जब 6 महीने रह जाते हैं, भाई तू नोट्स दे दे, तू नोट्स दे दे, तू दे दे, मैम से मांग लो। नहीं, आप अपने नोट से ही अच्छा समझ सकते हैं। और ना एक ही लर्निंग का पैटर्न है, जब आप किसी चीज को लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली एक लर्निंग तो आपकी वहीं पर हो जाती है। तो कॉपी खरीदो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्लास के दौरान नोट्स बनाओ। देखिए टीचर, मैं आपको चूज करने में थोड़ी मदद कर देती हूँ। टीचर आप ऐसा चूज करिएगा जो आपको क्लास नोट्स बनवाता हो। बायो में तो मस्ट है बेटा, बिना नोट्स के तो बात ही नहीं बनती है। प्रॉपर आपकी क्लास में नोट मेकिंग होनी चाहिए एंड उन नोट्स को आप फिर घर जाके रिवाइज करेंगे। तो नोट्स बनाने की आदत डाल लो, ठीक है जी। फिर इन्हीं नोट्स से आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे। तो बुक्स बेटा एनसीईआरटी, सेकेंड चीज आपको बायो में नोट्स रखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं रखना। एक बुक मैं रेकमेंड करूंगी इस स्टेज पे, दैट इज पीवाईक्यू। आपको साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी एक बुक ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो। बहुत सारी पब्लिकेशंस की आती है लेकिन एक बुक आप ऐसी जरूर रखिएगा जिसमें चैप्टर वाइज हो, ताकि जैसे एक चैप्टर हो उस चैप्टर के पीवाईक्यू कर ले कि यार पिछले साल कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या हमारे नोट्स में है, क्या मैं उन्हें अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, क्योंकि पेपर तो यार हर साल उसी टाइप का आता है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो पीवाईक्यू की एक किताब रखिए, एक एनसीईआरटी रखिए, एक बेटा आप अपनी कॉपीज में जो नोट्स बनाते हैं वो जरूर रखिए। अब अपने को तैयारी कैसे करनी है, देखो सबसे पहली चीज तो डेली क्लास लगाने की आदत लगाओ। डेली क्लास आप अटेंड करेंगे, क्लास के दौरान आप क्या बनाएंगे, उसके नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद आप घर जाकर, यानी कि क्लास के बाद सेम डे रात में या उससे अगले दिन उतने ही पोर्शन को रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद आपने अपनी एनसीईआरटी पढ़ी, नोट्स को रिवाइज किया, फॉलोड बाय द एनसीईआरटी रीडिंग एंड देन कम्स द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बेटा सबसे पहले आप पिछले कम से कम 5 साल की पीवाईक्यू लगा के करेंगे एंड साथ ही में आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। ओके बेटा, तो नीट का एग्जाम यार एमसीक्यू बेस्ड होता है। ये अब 10th की तरह नहीं है कि थ्योरी करते जा रहे हैं और एमसीक्यू के लिए लास्ट के 6 महीने छोड़ दिए। नहीं, आपको अभी से अपनी अप्रोच इसी टाइप की रखनी है कि मैं थ्योरी करता हूँ, रिवाइज करता हूँ, एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, पीवाईक्यू लगाता हूँ। मैं क्लास लगाता हूँ, रिवाइज करता हूँ, एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, पीवाईक्यू लगाता हूँ। तो ये ऑर्डर आपका फिक्स हो जाना चाहिए, क्लास, रिवाइज, एनसीईआरटी एंड देन प्रैक्टिस। ये ऑर्डर आपका फिक्स हो जाना चाहिए। अगर आपने, बिलीव मी गाइस, बिलीव मी, मैंने इतने बच्चों को टॉपर बनते हुए देखा है, अगर आपने ये चीज अगले 1 साल भी कर ली ना, आप अपने आप को 11th का टॉपर पाएंगे स्कूल में भी और आप अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पर पाने वाले हैं। ठीक है जी, तो प्रैक्टिस अभी से फर्स्ट डे से आपको अपने साथ शुरू कर देनी है, क्योंकि एग्जाम में कंपटीशन बहुत है। 21 लाख बच्चे इस साल एग्जाम देने वाले हैं, आपके टाइम तक तो ये 25 लाख नंबर हो जाएगा। सिलेक्शन के लिए हमारे पास 1 लाख ही अभी सीटें हैं, बढ़ भी जाएंगी तो 1.5 हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, चलो मैं कहती हूँ 2 लाख हो गई। 25 लाख पे 2 लाख का रेशो समझ रहे हो, कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई। डे 1 से यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। नेक्स्ट आता है बेटा, आज जो आपने पढ़ा है, साइंस कहती है, कौन कहती है बेटा, मैं नहीं कहती हूँ, साइंस कहती है कि आप वो 15 दिन के बाद पूरा भूल जाएंगे। यस, आज जो आपने पढ़ा है आप धीरे धीरे करके 15 दिन में भूलेंगे और 1 महीने तक तो बिल्कुल गायब की क्या है। तो ऐसा नहीं करना है कि 97 चैप्टर्स होते जा रहे और पिछला भूलते जा रहे हो। नहीं, आपको एक बहुत प्रॉपर रिविजन प्लान बनाना है। इस रिविजन प्लान में एक पहले आता है डेली रिविजन, आज जो क्लास में कराया वो शाम को आपको रीड करना ही करना है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका वीकली रिविजन,
ठीक है, पूरे हफ्ते में जो किया वो हर संडे आपको रिवाइज करना है, बस रिवाइज करना है, अपने नोट्स को दोबारा देखना है। और फिर आता है बेटा मंथली रिवीजन, पूरे मंथ में जो किया है उसको सरसरासा ऊपर ऊपर से देखकर रिवाइज करते जाना है। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है कि जब बच्चा ट्वेल्थ में होता है उसको इलेवंथ याद ही नहीं है। अब जब इलेवंथ याद नहीं है तो ट्वेल्थ में उसको ट्वेल्थ भी करनी है और इलेवंथ भी फिर डिटेल में कराओ, क्यों? क्योंकि उसकी रिविजन प्रॉपर नहीं थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कराते जा रहे हो वो भूलते जा रहे हो, साथ साथ रिविजन का प्लान आपके पास होना चाहिए। अगर आप डेली मंथली वीकली रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन मतलब जस्ट रीरीड इट, रेपिटेशन को बोलते हैं रिवीजन, और कुछ नहीं होता, रिपीट करना इज रिवीजन, रिपीट कर रहे हैं उसको, आपको ये चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी और आप अपनी क्लास में बेटा बहुत लोगों से आगे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भैया क्लास 11th में आए हैं, लगता है थोड़ी मौज मस्ती करें, थोड़ी सी अलग से फ्रीडम भी मिलती है ना, फोन वोन मिलता है, आजकल तो छोटे बच्चों के पास ही फोन है, बट एक फ्रीडम आ जाती है, हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, हमें लगता है हमसे ऊपर कोई नहीं है, सब बकवास कर रहे हैं हमारे आसपास। तो यार ये जो आपको फ्रीडम मिली है ना, इसका मिसयूज मत करना, क्योंकि यही ऐसा समय है जो सबसे ज्यादा बच्चा बिगड़ सकता है। यानी कि आपको मोस्टली डिस्ट्रैक्शंस किसकी होंगी? गेम्स की होंगी, आपके इंस्टाग्राम की होंगी, ठीक है, YouTube पे आप बहुत सारी चीजें देखोगे, या फिर आपकी अफेक्शन हो जाएगा किसी लड़का लड़की से, प्यार हो जाएगा, ठीक है, इस समय पर। और बेटा आपको अपने फोन से इतना ज्यादा एडिक्शन हो जाएगा कि उसके बिना रह नहीं पा रहे हो, या फिर अपने फैमिली में इतने मशरूफ हो कि बात नहीं बन पा रही है, उसी में ही जुटे रहते हो। बेटा मैं आपको बता दूं, जिंदगी में ना काम करने के ये सिर्फ 2 साल है, ऐसा नहीं है कि बाद में मेहनत नहीं है, बाद में बहुत मेहनत है, बट आपके करियर का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आज इन 2 सालों में डिसाइड हो जाएगा कि आने वाले 40 साल तुम कैसे बिताना चाहते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डॉक्टर के अलावा बाकी फील्ड्स बेकार है, सब में बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छा सक्सेस है, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, बट अगर आपने कहीं 1% भी सोचा ना यार डॉक्टर बनना है, तो उस डॉक्टर बनने की जर्नी में ये 2 साल सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। क्योंकि यार अगर ये 2 साल ही नहीं तुमसे हो पाए तो फर्स्ट स्टेप ही नहीं हो पाएगा, फर्स्ट स्टेप नहीं हुआ तो आगे के सारे स्टेप जीरो है, है ना। तो फर्स्ट स्टेप इज वेरी क्रूशियल इन योर डॉक्टर्स जर्नी। तो ये 2 साल तो यार अच्छे से मेहनत कर लो, कंपटीशन बहुत है, इस वजह से अपने आप को जितना डिस्ट्रैक्शन से दूर रखोगे उतना ही अच्छा है। क्योंकि कोई ना कोई तो है यार जो 1 लाख की क्रीम में आ रहा है, जो ये सब चीजें नहीं करता है, जो अपने आप को बचा के रखता है। तो ये ऐसी चीजें जो तुम्हारा सिलेक्शन रोक सकती है, बहुत बच्चों को इन्होंने परेशान भी किया है। तो प्लीज यार इन 2 सालों में इनसे दूर रहो, बहुत समय मिलेगा कॉलेज में जाकर प्यार का, दोस्ती का, यारी का, ठीक है, या इंस्टाग्राम चलाने का, या गेमिंग करने का, आगे बहुत समय है, लेकिन 2 साल के बाद डॉक्टर बनने का समय नहीं होगा, फिर तो फील्ड चेंज हो चुकी होगी। तो इस चीज़ को रियलाइज करिए और अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करिए, ठीक है, प्रायोरिटी आप अच्छे से सेट करिए, राइट। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम मैं तो CBSE भी चाहता हूँ साथ में, मैं साथ में नीट भी प्रिपेयर करना चाहता हूँ, क्या इसकी अलग अलग कोचिंग लगेगी? नहीं बेटा, इसकी अलग अलग कोचिंग नहीं लगेगी। CBSE भी NCERT को फॉलो करता है, नीट भी NCERT को फॉलो करता है, बस पेपर का पैटर्न अलग है, उसमें सब्जेक्टिव पेपर आता है, नीट में आपको ऑब्जेक्टिव पेपर आता है। तो जब बेटा हम नीट के नोट्स बनवाते हैं ना आपके, तो नोट्स तो बेटा सब्जेक्टिव ही होते हैं, है ना। तो वो अगर तुम्हें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो वो नोट्स लिख के आ जाओगे तुम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो उन्हें नोट्स में से आंसर लिख के आ जाओगे तुम, आंसर को बबल करके आ जाओगे। तो अलग से तैयारी किसी को नहीं चाहिए होती, सेम तैयारी है बेटा। इनफैक्ट आपने नीट कर लिया तो CBSE तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसमें बस आपको इंग्लिश और अपना 5th सब्जेक्ट थोड़ा बहुत देखना पड़ता है स्कूल से, बाकी आपको किसी चीज़ का अलग ट्यूशन नहीं चाहिए, अलग कोचिंग नहीं चाहिए। नीट का कोचिंग इज सफिशियंट फॉर CBSE का कोचिंग, दैट्स इट, ओके, राइट। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि यार हम आते तो बड़े जोश से हैं, पहले दिन आएंगे, नई नई किताब, आ हा हा, नई नोट, नई अपनी पेंसिल बॉक्स, इतने सारे तरीके के पेन, पहला हफ्ता इतने मजे से पढ़ाई कर रहे हैं, जो मैम ने बोला हाँ हाँ लिख रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं, आंसर भी दे रहे हैं क्लास में। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, ये जो जोश का लेवल है ना, ये कम देखा गया। 90% बच्चों में ऐसा ही होता है, और ये नॉर्मल सी बात भी है, जब कोई चीज़ नई होती है तो बड़ा इंटरेस्ट आता है, फिर वो चीज़ पुरानी होगी, यार ये तो रोज़ ही हो रहा है, फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन मैं बता दूं, इंटरेस्ट की ही बात होती तो डॉक्टर बनना बड़ा आसान होता। आपको डॉक्टर बनने के लिए आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाना पड़ता है, रोज़ जब भी मोटिवेशन कम लगे तो सोचना पड़ता है कि यार मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं, तो कोई और मेहनत कर रहा है। बच्चे तो यार आज के समय पर 8th क्लास से लगे हुए हैं, आप तो अब 11th में आए हैं, तो सोचो वो तुमसे कितने आगे होंगे, सोचो उनकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की कितनी ज़्यादा है। तो यार जोश जो है ना वो आखिरी तक बनाए रखना है आपको। थोड़ा बहुत लो फेजेस आते हैं, ग्राफ ऐसे नहीं कि सबका ऊपर ही जा रहा है, नीचे भी जाता है, लेकिन अल्टीमेटली अपने आप को एक गियर अप सिचुएशन में रखना है कि अरे 2 साल डिसाइड करेंगे कि मैं आने वाले 40-50 साल कैसे बिताने वाला हूं, राइट बेटा। तो यार इस नीट की जर्नी में आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, ये मैं अपने बैचेस में टाइम टू टाइम बताती रहती हूँ, ना उनका जोश कम होता है, ना उनकी पढ़ाई कम होती, बिल्कुल सटीक वे में, फोकस्ड वे में आप
बच्चे काम करते रहते हैं। तो इसके लिए बेटा मेरा एक्सक्लूसिव बैच आ रहा है 2025 के लिए, जिसका नाम है आरंभ बैच। यस, जिसका नाम क्या है? आरंभ बैच। ये जो आरंभ बैच है ये डिजाइन किया गया है 2 साल की नीट की प्रिपरेशन में। इसमें बेटा मैं और मेरी सारी बेस्ट टीम, ये बेस्ट टीम है, आप यूट्यूब पे किसी का भी लेक्चर अटेंड कर लो, आपको मेरा लेक्चर अटेंड करके देखना है, आप जाइए गूगल पे डालिए, क्या डालिए? गूगल पे डालिए सीप पाहुजा लिंकट्री, ठीक है? वहां पर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको डेमो लेक्चर देखना, आप डेमो लेक्चर देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी बायोलॉजी का डेमो लेक्चर है, तो जाके देखो फिर डिसाइड करो तुम्हें समझ आता है। अगर तुम्हें समझ आता है तो इस बेस्ट टीम के अलावा तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आरंभ बैच में मेरे से एक्सक्लूसिव मेरी मेंटोरशिप के साथ, जिसमें बच्चों को गाइड करती हूँ, डीपीपी देती हूँ एवरी डे, उनको रिविजन के लिए मोटिवेट करती हूँ एंड उनके साथ बनी रहती हूँ लंबे समय तक। तो आरंभ बैच में आओ, ठीक है, एनरोल कर लो। 2 साल के लिए तुमको लगेगा, 2 साल का पूरा बैच है। पहले 11th कराया जाएगा फर्स्ट ईयर में, फिर नेक्स्ट ईयर में 12th भी कराया जाएगा और उसकी रिवीजन भी होगी। साथ में आपको डीपीपीज मिलेंगी, साथ में आपके डाउट सॉल्विंग चलेगी, जैसे एक प्रॉपर बैच चलता है, ठीक है? सारी चीजें बेटा आपको इसमें मिलने वाली है। और अगर आप अभी 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो बेटा आपके लिए भी मेरा विश्वास बैच आ रहा है, विच इज अ 1 ईयर बैच। इस 1 ईयर में हम 11th और 12th दोनों करने वाले हैं। इस बैच में एनरोल करने के लिए आपके पास अभी 4 दिनों के लिए 20% ऑफ चल रहा है। जनरल वे में क्या होता है 10% ऑफ होता है, बट अभी क्या चल रहा है 20% ऑफ, ठीक है? इस 20% ऑफ को अवेल करने के लिए आपसे कोड पूछेगा, भैया कोड बताओ, तो कोड तुम लगा देना, क्या? सीप लाइफ, ठीक है? सीप लाइफ कोड लगा देना। इससे क्या होगा कि आपको ऑफ भी मिल जाएगा और मेरी एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप भी आपको मिल जाएगी। इन दोनों बैचेस का लिंक मैं डलवा दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यार तैयारी करते रहो और कहीं से भी तैयारी करो, मैं चाहती हूँ, दिली इच्छा मेरी ये है कि यार आप लोग क्रैक करें, आपके अंदर वो फायर इन द बेली बनी रहे और इन चीज़ें जो गलतियाँ ये बच्चे करते हैं ना, ये गलतियाँ आप आने वाले 2 साल में ना करें और अपने सिलेक्शन को निश्चित कर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे हम यहाँ पर यूट्यूब पर भी बैच लेके आएंगे फॉर 2025। एंड आई विल सी यू इन माय अदर वीडियो। थैंक यू सो मच।